श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के ओएसडी श्री अनु श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड वर्दी बोर्ड मेंबर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जानकारी के लिए constructed at a cost of rupees 47 crore SASB Yatri Nivas at Chandrakot is one of the fastest projects completed in UT of Jammu and Kashmir. The project was conceived during the visit of the principal secretary to the honorable lieutenant governor on March 1921 to Ramban, and after site selection it was decided that a fully operational Yatri Nivas on the pattern of Yatri Nivas at Bhagwati Nagar at Jammu is the need of the hour in Ramban district. In Amanaji sign board ka ek English language ka android mobile app tha jise इस बार रिवैम्प कर दिया गया है और पांच भाषाओं में हिंदी इंग्लिश पंजाबी गुजराती तथा तेलुगु में लॉन्च किया गया है और पूरे यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को मैं उम्मीद करता हूं इसका लाभ मिलेगा। कोविड स्वास्थ्य सफाई स्वच्छता कचरे का प्रबंधन यात्रा की निगरानी भोजन प्रसाद से सभी संबंधित सेवाओं के लिए SOPs के बारे में जो भी साथी हमारे काम करने वाले हैं उनकी काफी मेहनत से ट्रेनिंग हुई है। सभी कार्य स्थानीय लोग करें इसका भी विशेष रूप से ख्याल किया गया है। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं या जो स्थानीय उत्पाद है वो हैंडीक्राफ्ट हो या जो भी हो वो सामान जगह जगह कैंपों में उपलब्ध कराया गया है ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और आपदा संबंधी सुविधाओं के लिए भी मुकम्मल योजना बनाई गई है। SDRF के अलावा NDRF की भी पर्याप्त टीमें यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। हर चीज का ड्राई रन मॉप ड्रिल ये काम किया जा चुका है। अंत में मैं सभी श्रद्धालुओं यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों तथा अधिकारियों और मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि ये बाबा बर्फानी की यात्रा को सिर्फ कुछ समय के तीर्थाटन के सीमित अर्थों में देखने की जरूरत नहीं है। इस आध्यात्मिक यात्रा का स्वरूप और उसका अर्थ व्यापक है और यह पर्व जम्मू कश्मीर के व्यक्तिगत कल्याण के साथ संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से भी जुड़ा हुआ है। हमें सौभाग्य मिला है कि जम्मू कश्मीर के साथ पूरी सृष्टि के कल्याण में हम भी भागीदार हो सकते हैं। इस अवसर को इस रूप में देखने की जरूरत है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा की शुरुआत की थी ताकि ज्ञान और अध्यात्म की धरती जम्मू कश्मीर में बाबा के दर्शन के साथ राष्ट्र के आध्यात्मिक और बौद्धिक चेतना का प्रचार प्रसार भी समाज में और देश में हो सके। श्री अमरनाथ जी की यात्रा में समाज के मूल्य भी हैं और जीवन को जीने का महत्वपूर्ण सूत्र भी है। इसलिए सभी स्थानीय नागरिकों से मेरा निवेदन है देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करें ताकि वह बाबा के आशीर्वाद के साथ साथ यहाँ के आतिथ्य की स्मृतियां अपने साथ लेकर के वापस जाएं। अगर हम दर्शन करने नहीं जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बाबा का आशीर्वाद श्रद्धालुओं की सेवा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। यही भाव मन में रख करके हमें आगे आने वाले दिनों में इस पवित्र काम में सहयोग करने की आवश्यकता है। आप सब आए, मैं श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते आप सबको विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और खासतौर से जो महात्मा लोग आए हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।